आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। देश में 16 जनवरी को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही है। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ट्रकों में भर कर पहुंचा दी गई। इसी बीच पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने नेताओं और मंत्रियों को पहले वैक्सीन देने की मांग की। दरअसल कई नेताओं का मानना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में संयम है, जिसे दूर करने के लिए सबसे पहले नेताओं और मंत्रियों को टीका लगवाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन के लिए राज्यों को वैक्सीन भेजे जाने की शुरुआत हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा में वैक्सीन की पहली खेप पुणे से अलग अलग राज्यों में भी भेजी गई। लेकिन दुनिया के बाकी देशों की तरह ही भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग टीकाकरण को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने खुद ही सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। विपक्ष के कई नेता समेत कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया साइट्स पर पहला टीका मोदी को 12 जनवरी मंगलवार को ट्रेंड भी कर रहा था। बता दें कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में बने इस टीके का वैसा ही कठिन परीक्षण नहीं हुआ है जैसा कि कुछ पश्चिमी देशों के टीकों का हुआ है, इसलिए करोड़ों लोगों को यह टीका आनंद फानन में क्यों लगवाया जा रहा है। भोपाल में एक ऐसे व्यक्ति की मौत को भी इस तर्क का आधार बनाया जा रहा है जिसे परीक्षण टीका दिया गया था। संबंधित अस्पताल ने स्पष्टीकरण दिया है कि उस रोगी की मौत का कारण यह टीका नहीं है, कुछ अन्य रोग है। कुछ असहमत वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अभी तक यह ही प्रमाणित नहीं हुआ है कि किसी को कोरोना रोग हुआ है या नहीं, उसकी जाँच पर भी भ्रम बना हुआ है। किसी रोगी को कितनी दवा दी जाए आदि सवालों का भी ठोस जवाब उपलब्ध नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्राथमिकता के स्तर पर पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 से ऊपर उम्र वालों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को जो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में ऐसे लोगों की तादाद 27 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में महामारी पर हुई समीक्षा बैठक के बाद की। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।